फाइनली सही बताने वाली है सबको विनायक का सच। इसके बाद क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले ट्रैक में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से फाइनली सई जो है सबको विनायक का सारा सच बताने वाली है, क्योंकि फैंस को भी बहुत दिनों से इंतजार था कि विनायक का सच जानने के बाद भवानी क्या करेगी, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा भवानी है, पूरी घर की करता धरता भवानी है। इस वजह से फैंस को इंतजार था कि भवानी का फैसला क्या होगा। तो चलिए बताते हैं जब वो घड़ी आएगी तब भवानी क्या करेगी। वह दोस्तों आपको बता दें, बार बार विराट जो है सई को सच बताने से रोकेगा, लेकिन इस बार सई रुकने वाली नहीं है। आपको तो पता ही है कि सई जो है चवान हाउस में आ चुकी है, जिसके बाद पूरा परिवार जो है वो शॉक्ड हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से विराट, भवानी सबके सब जो है सई की शक्ल देखे जा रहे हैं कि आखिर सई कौन से सच की बात कर रही है। लेकिन आप देखेंगे किस तरह से विराट जो है सबके सामने भी बार बार मिन्नतें मांगता हुआ दिखाई देगा। वो सई से कहेगा कि सई प्लीज मुझे 5 मिनट की मोहलत और दे दो, लेकिन इस बार सई जो है गुस्से में विराट से सबके सामने कहेगी, मैंने आपको ऑलरेडी 72 घंटों का बड़ा टाइम दिया था, लेकिन आपने उस टाइम का यूटिलाइज नहीं किया। अब मैं सारा सच जो है सबको बताकर ही रहूंगी, और सई ऐसा ही करती है। आप देखेंगे किस तरह से भवानी जो है सई पर पहले भड़कती है, लेकिन जैसे ही वो सच सुनती है सई जो है सबके सामने कहती है कि जिस विनायक को आप लोग इतने सालों से पाल रहे थे, जिस विनायक को आप लोग इतना साथ रख रहे थे, और जिस विनायक को आप लोग गोद लिया हुआ समझ रहे थे, वो विनायक कोई और नहीं बल्कि आप लोगों का असली वारिस है। ये सुनकर तो भवानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भवानी अपने मुंह पे हाथ रख लेती है क्योंकि उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। इतना ही नहीं, जब सई से ओमी काका और निनाद पूछते हैं कि अरे सई तुम ये क्या बोल रही हो, कौन से सच की बात कर रही हो, क्लियर बताओ, तब सई जो है सबको क्लियरली बताती है कि हाँ विनायक जो है वो मेरा ही बेटा है, यानी कि मेरे विराट का बेटा, जिसे पाकी ने 9 महीने अपनी कोख में पाला था। ये बातें सुनकर विराट जो है हैरान रह जाता है, और भवानी तो शक्ल ही देखती रह जाती है सई की, क्योंकि भवानी को अब तक लगता था कि विनायक जो है वो गोद लिया हुआ बच्चा है। लेकिन जैसे ही भवानी को ये चीजें पता चलती है तो भवानी भी सई की ओर देखी ही चली जा रही है। वहीं पर सई जो है सबको ये भी बताती है कि मैंने विराट को ये सच बताने के लिए बहुत बड़ा टाइम दिया था, लेकिन विराट ने इसका यूटिलाइज नहीं किया, इसलिए मुझे आप सबको सारा सच बताना पड़ा। ये सब सुनकर अश्विनी की आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं। अगर बात करें करिश्मा, सोनाली और घर के हर सदस्य की, तो हर सदस्य जो है शॉक्ड हो चुका है और सई की ओर देखे जा रहा है। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि भवानी और अश्विनी का क्या रिएक्शन होने वाला है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी लाइक कर दें।